मैं ये कह रही थी कि अगर आप ये फिफ्टी थर्टी ट्वेंटी का गोल्डन रूल फॉलो करेंगे तो आप मतलब बिल्कुल मजे से अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकेंगे जरूरतें भी पूरी होंगी शौक भी पूरे होंगे और रिटायरमेंट की बात की जिंदगी भी खुशहाल रहेगी दिस इज माइंड बॉडी मनी विद रिया प्रेजेंटेड बाई जी मैक्स स्टूडियोज प्रोड्यूस्ड बाई आर एम डब्ल्यू पी

मेरा नाम अंकिता कालसी है आई मूवमेंट इंस्ट्रक्टर मैं इस पॉडकास्ट की physical fitness और कवर कर रही हूँ एक्सपीरियंस इन द फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री आई एम द मनी पार्ट ऑफ पॉडकास्ट खुद को बचाकर रखो जज्बात से लेकर पैसों तक और घर के सीक्रेट से लेकर ताकत तक या एनर्जी तक एक नजरिया ये है जिंदगी जीने का सेव सेव योर सेल्फ सेव योर एनर्जी सेव योर मनी सेव योर सीक्रेट सेव योर इमोशंस एक और सूफियाना तरीका है कि खुद को झोंक दो एक्सपेंड इट ऑल एक्सपेंड योर इमोशंस स्पेंड योर एनर्जीज एक्सपीरियंस एवरीथिंग होल्ड नथिंग बैक इन दोनों तरीकों में कोई भी एक सही और एक गलत नहीं है लाइफ इज ऑफ कोर्स ऑल अबाउट फाइंडिंग द राइट बैलेंस पर यू नो ये जो दो दृष्टिकोण हैं ये जो अप्रोच टू तो लाइफ है अपने आप में हमारे पूरे जीवन पर असर करता है टू सेव और टू स्पेंड इज काइंड ऑफ अ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन दैट अफेक्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ आर लाइफ इन अ वे नूपुर, जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तब कहा हमें सेव करना चाहिए और कहा पर स्पेंड बहुत अच्छा सवाल है रिया और आपने ये जो सिंबॉलिक कनेक्शन बनाया है ये तो बहुत ही बहुत ही सुंदर है हुँ. और आप जो कह रहे हैं उससे मैं ये सुन रही हूँ कि इमोशनल एनर्जी को कहाँ स्पेंड करना है इमोशनल एनर्जी को कहाँ बचाना है पुटिंग योरसेल्फ आउट होल्डिंग याल्फ बैक हम अपने रिश्तों में किस तरह से हाउ डू शो अपर रिजर्व और मोर आउट एंड ऑल दैट यू नो दैट बैलेंस बिटवीन सेल्फ कम्पेशन कम्पेशन टूवर्ड्स द वर्ल्ड एंड नॉट फॉलोइंग इन टू द ट्रैप ऑफ बिकमिंग अ पीपल प्लीज अतल कहाँ पे कौन सा दायरा है क्या है सेविंग क्या है स्पेंडिंग क्या है हेल्दी स्पेंडिंग तो एक तो ये थीम है जो बहुत लोग जानते हैं वो है दिस डिविजन बिटवीन इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट तो कुछ हम लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा सोशल इंटरक्शन या इमोशनल कनेक्शन uh, नहीं ढूंढते हैं लोगों के साथ hmm. हम अगर सोशल इंटरक्शन काफी हो गया कभी तो हमें लगता है कि हम थक गए हैं वी फील क्वाइट डिप्लीटेड और फिर अपने एनर्जी को रिकवर करने के लिए वी नीड सम क्वाइट टाइम तो वो ज्यादा सेविंग एंड पे आ जाते हैं hmm. और कुछ ऐसे दे लोग दे होते दे हैं जो सोशली बहुत खिल जाते हैं और उनकी एनर्जी दूसरे लोगों से इंटरक्ट करके बढ़ती है और राइट right, राइट right. उसको हम शायद एक्सपेंडिचर स्पेंड के, के तरह उसे हम देख सकते हैं जी और इन दोनों में भी कोई हार्ड और फास्ट सेपरेशन तो है नहीं इवन इंट्रोवर्ट्स आर एक्सट्रीमली आउट गोइंग विथ द ग्रुप दैट दे फील सेफ विथ यस शायद जो स्पेंड अपना एनर्जी ज़्यादा नहीं करते हैं वो किसी स्पेशल ओकेजन में या स्पेशल सिचुएशन में या गैदरिंग में बहुत हद तक यू you नो know, खिलेंगे और गाना गाएंगे या गॉसिप करेंगे जोर जोर से हंसेंगे नाचना शुरू कर देंगे Mm hmm. but in a safe group right, right where they feel like it's their people right right or uh, shayad in a big group wo thode wallflower ki tarah kone mein jaake baith jayenge baith jayenge this is how i am picturing this you're describing me and myself इसीलिए <laughs> हम <laughs> <laughs> podcast कर रहे हैं और video नहीं बना रहे शायद correct एग्जैक्टली exactly. तो ah. so, similarly in close relationships दोज लिसन मोर मैंने तो इसका बना लिया पेशा लिसनिंग मोर स्पीकिंग लेस अबाउट स्पीकिंगउट माइसेल शायद ये कभी कभी पीपल प्लीजिंग के एंड में भी जाता है अच्छा तो इसे मैं एक्सपेंडिचर कहूंगी एक्चुअली ये एक्चुअली इमोशनल एक्सपेंडिचर है करें. हाँ, क्योंकि एनर्जी मेरे से बाहर जा रही है मुझे hmm. रिप्लेनिश नहीं कर रही है अपने आप से सवाल करने होंगे कि ये जो मेरा बिहेवियर है इससे मुझ पर इफेक्ट क्या होता है इज इट रिप्लेनिशिंग इज इट गिविंग अवे और ये भी पूरे मतलब ब्लैक एंड व्हाइट तो होते नहीं है बिकॉज दीज सिचुएशन बिकॉज दे आर ग्रे दे डू बोथ थिंग्स कहीं फुलफिलमेंट right. भी मिलती है बट आई थिंक मेरे दिमाग में एक और एनालोजी आ रही है वाई आई लिसनिंग टू यू दैट इट्स लाइक अ बैंक अकाउंट आप विदड्रॉल भी करो आप डिपॉजिट भी करो बस डोंट गो इन द रेड बिल्कुल I think that's a great analogy. Ankita, expending energy or saving energy. In dono ke beech mein kya meal hai? You know, this is reminding me of what we talked about in episode 9 also, movement, nutritious movement, mindful movement versus mindless, chaotic, toxic movement. It's kind of in the same zone. You know, expending energy and saving energy. So what do you think? What is the right advice for what age and what stages of life? You know, the first thing that comes to my mind when you say save and spend is fuel to your body. How much energy does one save and how much energy does one spend? आप क्या खाना खाते हैं जो आपको अच्छे से फ्यूल करके आपकी एनर्जी के थ्रू यूज होता है और आप क्या खाना खाते हैं जो शायद इतनी अच्छे से यूज नहीं होता पर फिर भी खा तो लेते हैं या शायद नहीं खाते राइट <laughs> right. ये दोनों तरह की औरतें होती हैं जो आप बिन चीटिंग करते हो तो आपका फ्यूल शायद काफी ऐसे खाने से आता है जो शायद आपके लिए न्यूट्रिशियस नहीं है तो आपकी एनर्जी सेविंग जो होती है वो इतनी अच्छे से यूटिलाइज नहीं होती और उसको हम लेट मी पुट इट लाइटली एम्प्टी कैलोरीज कहते हैं सो so, right right it's very different from having more nutritious food but maybe slightly higher in calories so a bag of makhana is very different from a bag of uh, lace or potato chips if i'm not supposed right, to say right because right. <laughs> i love yeah. lace, but something like that so eating a banana is very different from eating a cookie everything will be different in cal. Maybe it's the same in calories, but it will feel very differently in your body. Right, right. और right. उस पर हम ये बात पर आते हैं कि आपको ये खाने से क्या feel होता है आप अगर hmm. अपना ब्रेकफेस्ट खाते हैं और उसके बाद आपको अच्छे नरिश्ड फील होता है बहुत एनर्जी आ जाती है यू कैन टेक ऑन द डे बहुत सारा काम कर लेते हैं फिर लंच टाइम आता है आप अच्छे से मे बी प्रॉपरली पाव भाजी या थोड़ा दबा वबा के छोले कुलचे खा लो उसके बाद में क्या होता है आपकी एनर्जी लो होती है कि आपकी एनर्जी हाई होती है आपको अच्छा right. लगता है लाइट लगता है कि आपको ग्लटनेस और लेजी लगता है तो ऑल दीज थिंग्स आर इंडिकेटिव ऑफ वेदर यू आर सेविंग योर एनर्जी फॉर विथ फ्यूलिंग योर बॉडी द राइट वे इन अ मैनर वेदर यू आर सेविंग योर एनर्जी फॉर द नाइस थिंग्स दैट यू रिक्वायर और योर aimlessly, recklessly spending your energy by eating the bad food. Okay, I have to intervene here because this is a very uh, uh, important distinction you've made. You are talking about saving and spending energy from the perspective of मतलब आप शरीर में डाल क्या रहे हो, खा क्या रहे हो, किस किस्म का फ्यूल बन रहा है, unleaded बन रहा है, premium petrol बन रहा है, diesel बन रहा है, क्या बन रहा है और उसके हिसाब से आपकी एनर्जी स्पेंडिंग उससे डायरेक्टली Hmm. रिलेटेड सेविंग hmm. yes, hmm. hmm. और स्पेंडिंग वहां से शुरू होती है जहां पे आप खाना पहले अपने चूज करते हो फिर अपने मुंह में डालते हो अब hmm. तो हम इतनी अवेयरनेस स्पेस पे पहुंच चुके हैं कि हमें तो ये भी पता है कि आप खाना जरूर अच्छा खा लो पर वो आपकी बॉडी में अच्छे से अब्जॉर्ब होता है कि नहीं वो तो हमें पता ही नहीं पर उसके लिए आई थिंक वी विल कीप अनदर एपिसोड बिकॉज़ फूड एंड न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्ब इज अनदर टॉपिक ऑल टूगेदर बिल्कुल बिल्कुल ऋतु ऊपर ऊपर से देख के ये टॉपिक सिर्फ आपके लिए ही लगता है हालांकि मेंटल और फिजिकल एनर्जी के बारे में हमने बात कर ली है बट सेविंग व्हेन इट कम्स टू मनी हमारी मिडिल क्लास फितरत में कूट कूट कर भरी हुई है यू नो द कॉशन द रिस्क अवर्जन जो बात हम वो जेनेक्स वाले एपिसोड में भी कर रहे थे ना काफी की नई पीढ़ी रिस्क टेकर्स है ये खर्चना जानते हैं अपने प्लेजर्स के लिए अपने डिजायर्स पर खर्चते हैं और एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है जब हम मूवमेंट की बात कर रहे थे दो एपिसोड पहले कि पैसों के बारे में कि पैसा खर्च ना पड़ता है पैसा बनाने के लिए सो सेविंग वर्सेस स्पेंडिंग व्हाट डू यू हैव टू से आ सो सेविंग वर्सेस स्पेंडिंग वन इज फन एंड वन इज बोरिंग अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक यू नो सेविंग और स्पेंडर हो आप हो कि आप सेवर हो थोड़ा तो उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका पर्सनालिटी टाइप

एंड मैंने बजटिंग की बात कही थी इनफैक्ट लास्ट सीजन में एक एपिसोड था जहां मैंने इसके बारे में कुछ बात कही थी और मैं आज को वो गोल्डन रूल ऑफ़ बजटिंग के बारे में फिर से याद दिलाना चाहूंगी तो so, एक रूल है जो हम बजटिंग की जब हम बात करते हैं जब हम मनी मैनेजमेंट की बात करते हैं यू नो एक गोल्डन रूल है इट्स रूल फिफ्टी थर्टी ट्वेंटी रूल ओकेट इज इट सो इट इज फिफ्टी परसेंट आपकी जो कमाई है वो आप खर्च करिए सो दैट्स योर स्पेंडिंग मनी एंड स्पेंड दैट ऑन आपकी जो जरूरतें हैं मतलब जो बिल्कुल जरूरतें हैं आपका रेंट आपकी ग्रोसरी आपके स्कूल बच्चों के स्कूल की फीस आपका फ्यूल एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो रोजमर्रा का एवरी डे स्पेंडिंग है आपकी ई एम आई जो स्पेंडिंग uh, जरूरी है एंड यू नॉट डू विदाउट मतलब बेसिक स्पेंडिंग hmm. जो है फिफ्टी परसेंट आपकी जो इनकम है आप वहां स्पेंड करिए hmm. जो है वो आप अपनी चाहतों पे स्पेंड करें सो so, आप रेस्टोरेंट जाना चाहते हैं आप मूवी देखना चाहते हैं आप हॉलीडे पे जाना चाहते हैं आप पार्टी थ्रो करना चाहते हैं दोस्तों को बुला के तो आप शॉपिंग करना चाहते हैं शॉपिंग करना चाहते हैं जो आप करना चाहते हैं जैसे आपका मन करे आप वो करिए बेसिकली और जो ट्वेंटी है फिफ्टी थर्टी ट्वेंटी रूल में जो ट्वेंटी आपकी इनकम है वो आपको सेव करनी चाहिए बहुत ज्यादा नहीं हो मतलब बहुत बोरिंग काम बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे करने के लिए आप स्पेंड करिए शौक भी पूरे करिए लेकिन 20 परसेंट अपनी कमाई का हर महीने आप जरूर सेव करें और उसको इन्वेस्ट करें तो You nice. know, I think without making that distinction, ki whether you're a spendthrift or you're a saver, you can actually be both, and you should be both because आखिर कार मतलब ज़िंदगी जीने के लिए है, right? So you have, mm. you can't keep saving कि rainy day के लिए save करेंगे, rainy day के लिए save करेंगे. अरे mm. भाई तो जो सोच के sunny days इतनी बारिश तो आजकल भी नहीं हो रही. <laughs> और रोज के sunny days में तो हम कुछ करेंगे कि हम वाली rainy day का इंतज़ार करते रहेंगे, है ना? Absolutely, very true. अगर आप ये फिफ्टी थर्टी ट्वेंटी का गोल्डन रूल फॉलो करेंगे तो आप मतलब बिल्कुल मजे से अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकेंगे जरूरतें भी पूरी होंगी शौक भी पूरे होंगे और रिटायरमेंट की बात की जिंदगी भी खुशहाल रहेगी तो बैलेंस मतलब आराम से मेंटेन हो सकता है मेरे दो सवाल हैं क्विकली विदाउट टेकिंग टू मच ऑफ आर लिसनर्स टाइम वन इज द फिफ्टी थर्टी ट्वेंटी साउंड लाइक अ डिलाइटफुल ब्रेकअप बट डज एवरीबडी है quickly, कई लोग जरूरतें ही 60, 70, 80, 90 परसेंट में पूरी कर पाते हैं दैट इज द ट्रूथ ऑफ मेनी मिडिल क्लास हाउस होल्ड ये 50 परसेंट रह गया जरूरतों के बाद ये तो एक बहुत ही आइडियल सिचुएशन है सबकी जिंदगी में तो ये सिचुएशन नहीं है चलो you know, ये आइडियल ही रूल है रूल तो जो बनेगा वो आइडियल ही बनेगा एक आइडियल रूल है है ना विच इज प्रज्यूमिंग ही आपके पास है बट hmm. जितना आप कोशिश करके इस आइडियल के पास पहुंच सकते हैं आई थिंक दैट इज द बेस्ट कैन डू या आपकी कमाई ओवर अड्डे या आपकी या आपकी खर्चे, थोड़ी। थोड़े से, थोड़े, खर्चे थोड़े से तो मतलब और जो ट्वेंटी सेविंग है वो चाहे हो सकता है टेन परसेंट के जाए पर जो लोग अभी शायद हंड्रेड या कभी कभी हंड्रेड एंड टेन परसेंट इन जरूरतों में खर्च कर रहे हैं देर फाइंड इन डेट बाई दंथ वो कहीं हंड्रेड एंड टेन से एट्टी पर आने की कोशिश करें एट्टी से सेवेंटी पे आने की कोशिश करें और हम हाँ। जो जेन जी की बात कर रहे थे ना हम एक एपिसोड में हाँ। रिया एंड वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ यंगस्टर्स आर रिस्क टेकिंग हमारे जमाने में और यंगस्टर्स में ये भी फर्क आ गया है कि लोग अपनी से आती है उससे पहले आप ले सकते हैं और जब आपकी hmm. तनख्वाह आएगी तो आप तो ये इतना भी एक्सटेंड कर रहे हैं नो दैट इज गुड बैलेंस एंड यू नो चाहे आप जेन जी हो जेन एक्स हो कोई भी ऐसा कर रहा है दैट इज 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 समथिंग आई वुड से वेरी वेरी मतलब कहाँ तो फिफ्टी परसेंट या सिक्सटी या एटी ये तो वो खर्च रहे हैं जो उनके पास है ही नहीं जो तो उनके पास है नहीं तो नहीं। वो तो बहुत स्केरी है हाँ, अच्छा। वो बहुत तो है, और ये स्पेशली इसलिए भी ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि यू नो जब छोटी छोटी ई होती है शायद हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं कि कितना आपको एक्चुअली ब्याज लग रहा है बट आपका जो ये सब ये जो पर्सनल लोन्स और ये ऐसे टाइप के लोन्स होते हैं उसमें बहुत ब्याज लगता है एंड uh, बहुत एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन है एक्चुअली ये ऐसे लोन्स लेना ये इनका इंटरेस्ट और इनका ब्याज कैन ट्रिपल योर uh, स्पेंड्स एप्सलूट बिल्कुल so, और क्विकली माई अदर क्वेश्चन वेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेविंग और स्पेंडिंग स्पेंडिंग फॉर डिजायर स्पेंडिंग फॉर प्लेजर स्पेंडिंग ऑन योर सेल्फ स्पेंडिंग टू मेक योर हैप्पी जिसको शायद कॉशियस लोग कहें वो तो एक है एक और स्पेंडिंग है जिसको आई गेस आई वुड कॉल इट अंट्रप्रपेंडिंग स्पेंडिंग स्पेंडिंग टू मेक योर मनी ग्रो और मेक योर बिजनेस ग्रो वो भी तो एक किस्म की स्पेंडिंग होती है जैसे इफ देर आर लिसनर्स आई नो देर आर होम मेकर्स और यंग प्रोफेशनल्स जो शायद अपने घर से कोई बिजनेस शुरू करना चाहें या कुछ भी छोटा सा फ्रीलांस वर्क शुरू करना चाहे मतलब पिलाटे इंस्ट्रक्टर बनने के लिए भी आपको स्पाइन करेक्टर तो खरीदनी पड़ेगी ना तो वो एक अलग किस्म की स्पेंडिंग है वो यू हैव टू से अबाउट दैट अपने बिजनेस के लिए या अपने काम के लिए जो चीजें आप खरीदते हैं वो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट हो जाती है एक तरीके से वो स्पेंडिंग हुँ. नहीं है Hmm. क्योंकि वो आपने उड़ान नहीं दिया वो आपने खर्च नहीं कर दिया है आपके वो खर्चे से आपको शायद रिटर्न आएगा तो वो एक तरीके से वो इन्वेस्टमेंट हो जाती है सो दैट विल एक्चुअली प्रोबेबली फॉर्म अंडर द सेविंग पार्ट ऑफ द एंटायर दर थिंगट कर रहे हैं आपने इन्वेस्ट किया है और आपके उस इन्वेस्टमेंट से आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है अपने आप में इन्वेस्ट किया है तो आपका बिजनेस आपको अर्निंग देगा तो वो इन्वेस्टमेंट है वो स्पेंडिंग नहीं है हाँ इन्वेस्ट करना बहुत अच्छी बात है सिर्फ अपने बिज़नेस में नहीं अपने आप में अपने शरीर में अपने जज्बात में अपने रिश्तों में इन्वेस्ट कीजिए उन रिश्तों में नहीं जो फ़ालतू हैं जो टॉक्सिक हैं जो आपको कुछ लौटा के नहीं दे रहे उनमें बिल्कुल मत इन्वेस्ट कीजिए पर हाँ सेव और स्पेंड के आगे इन्वेस्टमेंट भी है इन्वेस्टमेंट वहीं कीजिए जहाँ आर ओ आई हो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं तो वो चैरिटी हो जाती है और खैरात बांटने की काबिलियत हम सब में तो नहीं होती पैसों की या जज्बात की तो सोच के सेव कीजिए सोच के स्पेंड कीजिए सोच के इन्वेस्ट कीजिए और ख्याल रखिए अपने आई थिंक जो अंकिता और रितु और नूपुर तीनों ने कहा वो माइंडफुलनेस की बात भी कर रहे थे कि क्या खा रहे हैं क्या गवा रहे हैं क्या अपने शरीर में डाल रहे हैं कहाँ अपने इमोशंस डाल रहे हैं और पैसे ऑब्वियसली इसका ना अपने कहीं पे कोई एक बही खाता होना चाहिए फिजिकली या मेटाफोरिकली ये बहुत ज़रूरी है अगर ये नहीं करेंगे देन हम कैसे समझेंगे हम सेव कर रहे हैं स्पेंड कर रहे हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं उड़ा रहे हैं गवा रहे हैं या कमा रहे हैं इफ़ यू वॉन्ट टू रीच मी यू नो वे टू गेट मी एट मिस रिया मुखर्जी एम एस आर आई वाई एम यू के एच ई आर जे डबली ऑन ट्विटर एंड इंस्टा एंड आवर ई मेल आई डी Where all our lovely listeners write in is mindbodymoneypodcast at gmail.com. And if you want to reach our panelists, if you need mental health advice or guidance, you can reach me, Nupur Paiva, on my Instagram handle, Emotion Center, or by email, Nupurdp at gmail.com. If you need any physical fitness advice, you can reach me on Pilates by Ankita. That is P-I-L-A-T-E-S by Ankita on Instagram. Please DM me and I will get back to you. If you need financial advice or guidance, you can reach me, Ritu Sood Mathur, at my email, Ritu, R-I-T-U, at Megriar, M-E-G-R-I-A-R dot com. Okay. थोड़ा वक्त यहाँ पे खर्चा जरूर कीजिए हमारे साथ इस पॉडकास्ट को सुनने में शेयर करने में लाइक करने में सब्सक्राइब करने में एंड डू वैल्यू योर माइंड बॉडी एंड मनी माइंड बॉडी मनी विद रिया प्रेजेंटेड बाय जी मैक्स स्टूडियोज दिस पॉडकास्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय आर एम वर्ड पिक्चर्स